आज इसी वीडियो के अंदर हम लोग कोल हैंडलिंग प्लांट में जो ऑर्गन टिपलर मशीन लगा हुआ रहता है उसी का बारे में टोटल डेप्थ नॉलेज मिलेगा। इस मशीन चलता कैसे है, उसका सीक्वेंस क्या है, कैसे उसका हम लोग कंट्रोल करूँगा, ऑर्गन जो खाली होता है वो कैसे खाली होता है, कितना स्पीड में होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये मशीन जो चलाएगा उसमें मैन पावर कितना एंगेजमेंट रहना चाहिए, उन लोग का पेमेंट भी कितना मिलता है, टोटल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर आप लोग को दूंगा। कोल हैंडलिंग प्लांट में सबसे टफ इक्विपमेंट अगर बोला जाएगा तो ऑर्गन टिपलर मशीन को हम लोग बोलते हैं, और सबसे इजी मशीन कौन सा है वो भी ऑर्गन टिपलर मशीन ही है। इसके रीज़न एक ही है, इस मशीन का चलने का जो स्टाइल है वो स्टाइल को अगर आप एक पकड़ लिए ठीक से तो आपको ये मशीन पूरा इजी लगेगा। देखते रहिए वीडियो कंटिन्यू। ऑर्गन टिपलर मशीन को चलाने के लिए आपको चार स्टेप को समझना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप जो है मालगाड़ी जब आएगा खाली होने के लिए उसका प्लेसमेंट कैसे कराएंगे आप, प्लेसमेंट कराने के बाद ईआर रिलीज कैसे करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप इसको जानना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या है, साइड एम चार्जर मशीन इसमें जो लगा हुआ है वो साइड एम चार्जर मशीन चलता कैसे है, उसका फंक्शन क्या है, इसको जानना पड़ेगा। थर्ड स्टेज क्या है, अब ऑर्गन टिपलर में प्लेसमेंट हो गया है, प्लेसमेंट होने के बाद टिपलिंग करेंगे आप, तो टिपलर मशीन चलने का स्टाइल क्या है, वो कौन सा स्टेप में वो चलता है, इसको आप पहले जानना पड़ेगा। फोर्थ स्टेज में क्या जानना पड़ेगा, जो कोल ऑलरेडी आप अनलोड कर दिए है तो वो हॉपर में गिरेगा, तो हॉपर से कन्वेयर में कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसके लिए एफ्रोम फीडर और ड्रिविल कन्वेयर को आपको समझना पड़ेगा। ये चारों स्टेप को अगर अच्छा से आप समझ लिए तो ऑर्गन टिपलर मशीन आपको 100% ईजी लगेगा। बॉक्सिंग कैसे प्लेसमेंट हो रहा है, देखिए बॉक्सिंग आ रहा है, आके फर्स्ट क्या करेगा यार्ड में प्लेसमेंट करा देगा उसको, क्यों ये ईएमयू इंजन है, ईएमयू इंजन टिपलर टेबल का अंदर आ नहीं सकते, उसके इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, इसीलिए यार्ड पे फर्स्ट प्लेसमेंट हो जाएगा। उसको देखिए वहीं पे वो रुकेगा, रुक के इंजन और लोडेड ऑर्गन जो है उसको डिकैपल कर दिया जाएगा। डिकैपल करने के बाद ये इंजन क्या होगा, ये इंजन लूप लाइन होके, ये लूप लाइन होके धीरे धीरे वो निकल जाएगा, और वहीं पे बॉक्सिंग जो है वो वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर उस बॉक्सिंग को पीछे से डीजल इंजन हो कोई भी ईएमयू इंजन हो वो पीछे से पुश बैक करेगा, पुश बैक करते करते ये टिपलर का जो लाइन दिखाई दे रहा है इसी लाइन पे वो आएगा। अभी देखिए इंजन पुश बैक हो रहा है, पूरा टोटल मालगाड़ी जो है उसको पुश बैक करा रहा है, पीछे से धक्का मार रहा है, धक्का मारते मारते टिपलर का जो पोजीशन होगा, जिस जगह से पोजीशन होगा मतलब अनलोडिंग होने के लिए जहाँ से उसका स्टार्टिंग है उसी जगह पे वो प्लेसमेंट हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, ये मालगाड़ी में टोटल 59 ऑर्गन रहता है, 58-59 ये ऑर्गन रहता है, ये प्लेसमेंट कौन कराएगा, यहाँ तक प्लेसमेंट राइट्स कराएगा, रेलवे का जो आदमी है वो लोग ही कराएगा, टिपलर ऑपरेटर हो साइड एम चार्जर ऑपरेटर हो इन लोग का वहाँ पे कुछ काम नहीं है, वो लोग प्लेसमेंट टिपलर में करा देगा, इसके बाद आप लोग का काम है। देखिए अभी प्लेसमेंट हो चुका है, प्लेसमेंट होने के बाद क्या करेगा, जो इंजन पीछे से पुश बैक कर रहा था वो डिकैपल होगा, वो डिकैपल हके करके चला जाएगा, इसके बाद हम लोग का क्या करना पड़ेगा, पूरा गाड़ी को ईआर रिलीज़ करना पड़ेगा, टोटल गाड़ी जितना भी ऑर्गन है 58 ऑर्गन हो 59 ऑर्गन हो पूरा गाड़ी को ईआर रिलीज़ करना पड़ेगा। तो ईआर रिलीज़ कैसे करेंगे वो देख लीजिए, देखिए ये लीवर को खींचना पड़ेगा, ईआर रिलीज़ करने का टाइम आपको देखना पड़ेगा, जितना भी ऑर्गन है 58 हो 59 हो हर एक ऑर्गन पे अलग अलग इंडिविजुअली आपको ईयर रिलीज़ करना पड़ेगा, ये लीवर को खींच के हर एक ऑर्गन को आपको ईयर रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर आप ईयर रिलीज़ ठीक से नहीं किए तो क्या होगा, रेलवे का जो ब्रेक सिस्टम है वो ब्रेक व्हील को पकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा तो क्या होगा, हम लोग का साइड एम चार्जर जो मशीन है वो पूरा गाड़ी को खींच नहीं पाएगा टिपलर टेबल तक, तो इसीलिए आपको ईयर रिलीज़ करना मस्ट है, हर एक ऑर्गन को ईयर रिलीज़ करना पड़ेगा। पूरा गाड़ी को ईयर रिलीज़ करने में 20 मिनट टाइम लगता है, एवरेज एक टाइम 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट, मिनिमम 15 से 20 मिनट, मतलब सोच लीजिए 20 मिनट टाइम लगेगा पूरा गाड़ी को ईयर रिलीज़ करने में। अभी देख लीजिए ईयर रिलीज़ हो चुका है, तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको,
जितना भी ऑर्गन है सबको ऑर्गन को खाली करना है आपको, तो खाली करने के लिए ये जो मशीन दिखाई दे रहा है ये मशीन का नाम साइड एम चार्जर है। ये साइड एम चार्जर ऑपरेटर कैसे चलता है, इसका फंक्शन क्या है, थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए। देखिए ये आपका हाइड्रोलिक पावर पैक है, ये हाइड्रोलिक पावर पैक, ये टोटल एक स्ट्रक्चर है, टोटल एक स्ट्रक्चर है और ये उसका हाइड्रोलिक पावर पैक है। हाइड्रोलिक पावर पैक क्या करेगा, हाइड्रोलिक पावर पैक आप चालू करेंगे तो ये इसका साइड में तीनों मोटर लगा हुआ है, एक दो तीन, तीन मोटर लगा है। ये मोटर क्या करेगा, नीचे देख लीजिए तीनों पिनियन है, वो पिनियन का मदद से ये साइड एम चार्जर आपका मूवमेंट होगा, रेलवे ट्रैक का ऊपर मूवमेंट होगा। इसका क्या किया गया है, चारों साइड में चारों व्हील है, जैसे रेलवे चक्का रहता है उसी टाइप का चक्का है, उसी चक्का का ऊपर बेस करके ये मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट का जगह जो है उसको देख लीजिए, और उसका पहले देख लीजिए ये साइड एम चार्जर आर्म है, ये वाला पार्ट जो है आर्म है, ये नॉर्मली अप डाउन होता है और ये मशीन फॉरवर्ड रिवर्स होता है और कुछ नहीं। अभी इस मशीन जिस ट्रैक के ऊपर चलता है उस ट्रैक का थोड़ा नॉलेज ले लीजिए। साइड एम चार्जर मशीन का ट्रैवल लेन देख लीजिए, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स मैक्सिमम कितना हो पाएगा, वो ये 35 मीटर है, देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक मैक्सिमम जो है वो 35 मीटर उसका रेल ट्रैक है, उसी ट्रैक में वो फॉरवर्ड रिवर्स हो पाएगा। इसमें देख लीजिए साइड एम चार्जर का जो पिनियन है, जो डाइव मोटर पिनियन को घुमा रहा है, पिनियन क्या कर रहा है, रैक का मदद से वो फॉरवर्ड रिवर्स हो पा रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए इसका लोडेड ऑर्गन के साथ उसका क्या कैसे बिहेवियर है, कैसे चलता है वो, उसको भी देख लीजिए। अब साइड एम चार्जर मशीन का चलने का स्टाइल देख लीजिए, उसका साइकिल क्या है, देखिए फर्स्ट आर्म डाउन किए, मतलब कंट्रोल रूम से डाउन कमेंट दिए तो ऑटोमेटिक डाउन हो गया, पूरा मैक्सिमम डाउन हो गया। फिर क्या करेगा, रिवर्स कमेंट देना पड़ेगा कमेंट कंट्रोल रूम से, तो देखिए धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है। कितना दूर तक रिवर्स होगा, जब तक उसको ऑर्गन कपलिंग ना हो पाए, देखिए स्लो रिवर्स हो रहा है। ये जो पॉइंट है आर्म डाउन से कपलिंग तक, ये स्लो रिवर्स है, धीरे 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 जा रहा है। पूरा ओरिजिनल फुटेज है ये, इसमें एडिटिंग कुछ किए नहीं है। कपलिंग हो गया लोडेड ऑर्गन का साथ, जैसे ही कपलिंग हो गया तुरंत उसी जगह पर स्टॉप हो जाएगा साइड एम चार्जर, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। फिर आपको देखना पड़ेगा जो लाइन क्लियर है कि नहीं, मतलब रेलवे लाइन और टिपलर का लाइन जो 00 डिग्री है कि नहीं, टॉप क्लैम्प रेज है कि नहीं, मतलब हाइड है कि नहीं, क्योंकि जो ऑर्गन को लेके जाएगा वो तो टकराएगा ना, वहाँ पे डिरेल हो सकता है, इसीलिए पूरा लाइन क्लियर है तब आप फॉरवर्ड कमेंट देंगे। जैसे ही फॉरवर्ड कमेंट देंगे साइड एम चार्जर स्लो फॉरवर्ड होगा, मतलब पूरा 59 ऑर्गन को वो कपलिंग करके लेके जा रहा है, इसीलिए धीरे 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 लेके जाएगा। कहाँ तक लेके जाएगा, चेंज ऑर्गन पोजिशन तक, जहाँ ऑर्गन चेंज होगा उसी जगह तक वो लेके जाएगा। उसको देखिए साइड एम चार्जर मशीन चेंज ऑर्गन प्रॉक्सिमिटी स्विच जहाँ पे है वहीं पे साइड एम चार्जर रुक जाएगा, मतलब पूरा एक ऑर्गन तो नहीं आ रहा था, ज़्यादा ऑर्गन है तो हमको एक ही ऑर्गन चाहिए, तो क्या करेगा वर्कर लोग एक ऑर्गन को छोड़ के बाकी सब ऑर्गन को वहीं पे डिकेबल कर देगा। डिकेबल करके साइड एम चार्जर फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस करेगा, वो लोग फील से होगा, वो फॉरवर्ड पुश बटन फील से ही कमेंट देगा। कमेंट देने के बाद क्या करेगा, साइड एम चार्जर अभी फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब सिंगल बॉक्स है इसीलिए थोड़ा स्पीड उसका ज़्यादा है। अभी फास्ट फॉरवर्ड होकर कहाँ जाएगा वो साइड एम चार्जर, टिपलर सेंटर पोजीशन प्रॉक्सिमिटी स्विच तक जाएगा, जहाँ पे ऑर्गन टिपलर का सेंटर पोजीशन पे रहेगा। देखिए उस जगह पे वो धीरे धीरे लेके जा रहा है, टिपलर सेंटर पोजीशन में जैसे आ जाएगा साइड एम चार्जर वहीं पे रुकेगा, मतलब उस जगह पे हम लोग को डिकपल करना पड़ेगा। तो देखिए ये साइड एम चार्जर सेंटर पोजीशन में आ गया, कंट्रोल रूम से क्या करेगा वहाँ पे डिकपल कर देगा। देखिए ये डिकपल हो गया, डिकपल जैसे हो गया ऑर्गन को वहीं पे छोड़ दिए, सिंगल ऑर्गन को वहीं पे छोड़ दिए, और साइड एम चार्जर धीरे धीरे आपका एम्प्टी ऑर्गन को धक्का मारते मारते वो जा रहा है जहाँ पे साइड एम चार्जर आर्म को रेस कर सकते हैं हम लोग, मतलब आर्म रेस पोजीशन प्रॉक्सिमिटी स्विच तक साइड एम चार्जर जाएगा, वहाँ पे साइड एम चार्जर आर्म धीरे धीरे रेज होगा। रेज होने का बाद क्या होगा उसको देख लीजिए। अभी फील्ड से साइड एम चार्जर ऑपरेटर टोटल इक्विपमेंट को चेक करके ऑपरेटर को क्लियरेंस देगा, जब आप टिप कर सकते ऑपरेटर क्या करेगा, टिप कमेंट दे देगा, मतलब टिप जो पुश बटन है उसको प्रेस करेगा, प्रेस करेगा तो टिपलर टिपलिंग होना शुरू हो जाएगा, और साइड एम चार्जर को भी रिवर्स कमेंट देगा, तो रिवर्स साइड एम चार्जर पीछे आएगा धीरे धीरे, क्यों, नेक्स्ट ऑर्गन को प्लेसमेंट कराने के लिए उसको पीछे लेके आना पड़ेगा, तो इसलिए पीछे वो आ रहा है। देख लीजिए साइड एम चार्जर पीछे आ रहा है, मतलब रिवर्स आ रहा है, तो रिवर्स आके क्या करेगा, साइड एम चार्जर आर्म डाउन जो प्रॉक्सिमिटी स्विच है वहाँ पे सेंस करेगा, साइड एम चार्जर
आर्म को डाउन करना पड़ेगा, आर्म डाउन पुश बटन पुश करेंगे, फिर साइड एम चले को रिवर्स करेंगे, फिर लोडेड ऑर्गन का कपलिंग करेंगे, इधर से टिप्लर भी 150 डिग्री का जाने के बाद फिर 0 डिग्री पे आ जाएगा, तब साइड एम चले को फिर फॉरवर्ड कमेंट देंगे, ऐसे करते पूरा कंटिन्यू पूरा गाड़ी को खाली होते रहेंगे आप लोग। साइड एम चलर ऑपरेशन अब जान गए हैं, अभी देख लीजिए टिप्लर ऑपरेशन कैसे हो रहा है, टिपलिंग कैसे करूँगा हम लोग उसको थोड़ा देख लीजिए। अगर इस वीडियो को देख के आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं हो रहा है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कीजिए, थोड़ा नॉलेज ले लीजिए और भी नॉलेज ले लीजिए, फिर आपका नज़दीक का आसपास कोई भी प्लांट में हम लोग कोशिश करूँगा जॉब लगाने का। एक ऑर्गन खाली होने में आपका 3 मिनट टाइम लगता है। ये साइड में जो साइकिल देखा आप टिपर को जब देखेंगे, ये टोटल साइकिल जो है 3 मिनट में, मतलब 3 मिनट में एक ऑर्गन खाली हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा झमेला नहीं है, इसमें 6 स्विच लगा हुआ है कंट्रोल रूम पे, वो 6 स्विच को आपको पुश करना है और ठीक टाइम बाय टाइम इसको पुश करके आप गाड़ी को खाली कर सकते हैं आराम से। टिप्लर का ऑपरेशन देख लीजिए, ये टिप्लर टेबल है, ये टेबल जो है दिखाई दे रहा है आपको, इसका लेंथ कितना है 17.3 मीटर है, मतलब 17.3 मीटर वहाँ से यहाँ तक, मतलब एक ऑर्गन प्लेस होगा उसका बीच में, ये टिप्लर टेबल दिखाई दे आपको। ये दो रेल ट्रैक है, जिस रेल ट्रैक का बीच में ऊपर ऑर्गन खड़ा रहेगा, और ये दिखाई दे रहा है आपको ये व्हील ग्रिपर है, मतलब ऑर्गन जो प्लेस करके रख देंगे उसको अरेस्ट करके रखेगा, वो चक्का को अरेस्ट करके रखेगा, इसीलिए व्हील ग्रिपर लगा हुआ है। अरे साइड में दिखाई दे रहा है ये साइड पैड है, बस साइड बीम भी बोला जाता है इसको। इसको क्या होगा, ऑर्गन प्लेस होने के बाद उस ऑर्गन और टिप्लर टेबल का बीच में जो गैप है वो गैप को जीरो करने के लिए इस साइड पैड को लगा दिया जाता है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये टॉप क्लैंप है, मतलब ऑर्गन को पकड़ के रखने के लिए टॉप क्लैंप लगा हुआ है। यहाँ पे 6 है, कहीं जगह पे आपको 3 मिलेगा, कहीं जगह पे आपको 4 मिलेगा, मतलब ये टॉप क्लैंप रहेगा। ये टोटल इक्विपमेंट हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा ही चलता है। और ये जो है ये एंड रिंग है, ये दोनों साइड रहेगा, मतलब इसका ऊपर आपको रैक लगा हुआ है और ड्राइव मोटर में आपका पिनियन है, हाइड्रोलिक मोटर जो है उसमें पिनियन है, तो वो मूवमेंट करने में आपका मदद करेगा। तो ये आपका टोटल टिप्लर का इक्विपमेंट आपका पता चल गया। अभी इसका ऑपरेशन देख लीजिए कैसे आप उसको कंट्रोल करेंगे। ऑर्गन प्लेसमेंट हो चुका है, आपको टिप करना है, मतलब अनलोडिंग स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसका सेफ्टी इक्विपमेंट 2 है, जैसे साइड वॉल है, साइड वॉल को एंगेज करना पड़ेगा लोडेड ऑर्गन के साथ, एंगेज जब पुश बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, जैसे पुश करेंगे तो साइड वॉल एंगेज हो जाएगा, और एक ही साथ आपको व्हील ग्रिपर जो है वो भी उसका कमेंट चला जाएगा, एक ही स्विच में वो भी कमेंट चला जाएगा। तो व्हील ग्रिपर क्या होगा, लोडेड ऑर्गन का जो चक्का है व्हील है उसको अरेस्ट करके रखेगा, मतलब उसको कपलिंग करके रखेगा, गिरने नहीं देगा। फील्ड से क्लियरेंस लेने के बाद आप वो टिप्लर टिप वाला जो पुश बटन है उसको प्रेस करेंगे, जैसे प्रेस करेंगे धीरे धीरे टिप्लर टिप होना स्टार्ट हो गया, देख लीजिए स्टार्ट हो रहा है, 6 डिग्री जैसे चला गया तो टॉप क्लैंप एंगेज होना स्टार्ट हो गया, 6 से 45 डिग्री का अंदर टॉप क्लैंप टोटली एंगेज हो जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर में उसको पकड़ के रखेगा, फिर धीरे 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 वो 150 डिग्री तक जाएगा। देखिए 150 डिग्री चला गया, टोटल गाड़ी का जितना कोल है सब हॉपर में गिर गया, वहाँ पे 5 सेकेंड होल्ड किए, मतलब अंदर अगर थोड़ा मोड़ा कोल है तो टोटली गिर जाएगा, फिर क्या होगा ऑटोमेटिक वो रिटर्न होगा, रिटर्न होके 45 डिग्री का जब आएगा तो टॉप क्लैंप धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करेगा, 6 डिग्री का अंदर, 45 से 6 डिग्री का अंदर टॉप क्लैंप जो पकड़ के रखा था वो धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करेगा, छोड़ देगा, देखिए फिर उसको 0 डिग्री में आएगा, 0 डिग्री में जैसे आ जाएगा साइड वॉल जो एंगेज था वो रिलीज़ हो जाएगा और ये व्हील ग्रिपर जो है वो भी रिलीज़ हो जाएगा, नेक्स्ट ऑर्गन के लिए आप प्लेसमेंट कर सकते हैं, लाइन क्लियर है। ये आपका हॉपर है, टिप्लर का जो हॉपर है ये देख लीजिए, ये हॉपर है, ये हॉपर का कैपेसिटी कितना है 210 मेट्रिक टन है, मतलब इसका अंदर 210 टन कोल आप स्टॉक करके रख पाएंगे। इसका ग्रेटिंग्स देख लीजिए, देखिए ये हॉपर का अंदर का ओवर व्यू, ये ग्रेटिंग्स का साइज़ देख लीजिए, साइज जो है ये साइज आपका 320 mm square हॉपर, ओके आपको हॉपर में गिरेगा, तो हॉपर में वो कोल कन्वेयर में कैसे कन्वर्ट होगा उसको देख लीजिए। ये अंडरग्राउंड है, ये अंडरग्राउंड में ये देखिए ये कन्वेयर जो लगा है
ये आप फ्रंट फीडर कन्वेयर है, तो इसको चलाने के लिए क्या यूज़ किया गया है, देखिए ये आपका हाइड्रोलिक पावर पैक है, ये हाइड्रोलिक पावर पैक, ये 160 किलोवाट का मोटर है और अंदर उसका हाइड्रोलिक पंप है। तो ये पंप का ऑयल प्रेशर क्रिएट करके इस देख लीजिए ये हाइड्रोलिक मोटर है, इस हाइड्रोलिक मोटर को घुमाएगा। हाइड्रोलिक मोटर जैसे घूमेगा वो, तो क्या होगा, ये चेन भी इसका पैन प्लेट जो है, ये चेन भी घूमना स्टार्ट करेगा। तो घूम के ये चूट का अंदर कोल को डिस्चार्ज कर देगा, डिस्चार्ज करके नीचे जो कन्वेयर है उस कन्वेयर उस कोल को रिसीव करेगा। अभी एप्रोन फीडर को स्टार्ट कर दिए है, तो क्या होगा, एप्रोन फीडर का हॉपर में जितना कोल था वो सब कोल को धीरे धीरे वो चूट का अंदर कोल को डिस्चार्ज कर रहा है। इसको देखिए एप्रोन फीडर का नीचे, मतलब एक एप्रोन फीडर जो है उसका नीचे भी एक कन्वेयर लगा हुआ है, वो ड्रिबल कन्वेयर है, उसका कैपेसिटी 200 TPH है। तो देखिए ये एप्रोन फीडर है, देखिए ये पैन प्लेट है, हर एक जो प्लेट दिखाई दे रहा है एक एक करके मेटल का है, ये सब एक एक पैन प्लेट है, मतलब चेन टाइप का है, वो चेन घूम रहा है। देखिए ये पैन प्लेट है, ये पैन प्लेट से थोड़ा मोड़ा कोल जो है वो नीचे गिर जा रहा है, तो इसीलिए नीचे एक ड्रिबल कन्वेयर लगा हुआ है। देखिए ये ड्रिबल कन्वेयर क्या कर रहा है, वो कोल को रिसीव, थोड़ा मोड़ा जो कोल गिर रहा है उस कोल को रिसीव करके चूट में डाल दे रहा है। ये आपका एप्रोन फीडर का नॉर्मल ऑपरेशन है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसीलिए वीडियो कहीं पे स्टॉप कर देते हैं हम। ये मशीन टिप्लर मशीन जो है ये बहुत ही ईजी मशीन है, इस मशीन को अगर 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो ये मशीन थोड़ा ईजी लगेगा आपको। टेक्निकल जितना डाटा है उस डाटा को हम डिस्प्ले में दे रहा हूँ, उसको थोड़ा देख लीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पे आएगा, ये टिप्लर मशीन का जितना सेफ्टी इक्विपमेंट है, जितना भी इंटरलॉकिंग है, उसी का ऊपर डिस्कशन होगा। तो वीडियो को कंटिन्यू अब देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।